वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है सुनील ने और वीडियो का टाइटल है गुड न्यूज मूवी बिहाइंड द सीन्स फनीएस्ट ब्लूपर्स ऑफ गुड न्यूज मूवी राम सेतु अक्षय। और मुझे बहुत मजा आता है ऐसी वीडियो ब्लूपर्स देखने का, क्योंकि काफी ज्यादा यू नो एंटरटेनिंग होती है। वेला भी वीडियो देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का रिव्यू लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। And he's just kind of pushed the wheelchair and let Kiara go. जाओ अपने आप को ICU में दाखिल करवा लो। हाँ, इस बच्चे राज सर आ गए? Obviously director है। कहाँ है? हाँ, वो रहे। Kiara? Kiara? Sorry sir. We had a combination of Akshay sir, Diljit, Kareena and Kiara. Good news? It was just mental, man. The short one, she gets up, we pull back and he also gets up. He says, are you okay? Kya hua? Then one. And Kareena, humko pata hai, she's going to behave this time. Sara kuch samajh aa raha hai. Lekin... Samajh nahi aata. Then a good script are the actors. Aur zyada hai hamare director sahab, jinhone ye film conceive ki. First time I'm working with such big superstars. It's my honor to be working with three legends. इंग्रीडियंट फॉर अ गुड कॉमेडी फिल्म अदर देन I am going to play with Taimur, मैं खिलाड़ी तू फिल्म के प्रोड्यूसर मैं हूँ। अक्षय सर It's just so much fun. Look, samal na kuch nikal na. We made sure the scenes were funny on paper itself. It had innate humor. I thought it was really funny. The situations were funny. Both are calling me what? Sorry, kisi ko samajh nahi aa raha. North mein. Actors like these, they just, I think they take it above and beyond the script and just turn it into something else. Those are some amazing people. Just get this bad thing on me! Relax! Relax! Hello! Don't get me out of here! I knew that it was for him to just have fun and do something outrageous. This is what he wanted, one more Setting the tone for all of us. 3 days पहले ताकत हुआ था, इसकी वजह से हम 7 days पहले कर सकते थे, लेकिन So you used to do the takes. I was like, sir, okay, we've got it. When Azim told me that we plan to recreate Sauda Khara Khara, when we all heard it, we thought it was banging and it was just very. This is another movie only. As a director, you try and do the best you can with the script, with every scene, every dialogue, every line. But when you get I'm just happy and lucky to have this song. It never really felt like shoot. The kind of subject this is and the kind of film this is. Please, I think they take it above and beyond the script. There was just non-stop laughter.
The fact that we were having fun off set, all four of them together, were a riot. बात करें अगर आज इस वीडियो की तो ब्लूपर्स देखने का बहुत ज्यादा मजा आता है क्योंकि ब्लूपर्स में आपको वो चीजें देखने को मिलती हैं जो एक जो है आपको पूरी एडिट होके जब आ जाती वीडियो उसमें वो चीजें नजर नहीं आती, रॉ फॉर्म में जो वो होती हैं तो उसका एक अलग ही मजा होता है। मुझे तो बहुत मजा आता है क्योंकि ऑन सेट आप जो मस्ती देखते हो और एज ए टीम वर्क जब आप काम कर रहे हो हर इंसान का डिफरेंट डिफरेंट एक आप कहेंगे कि मिजाज होता है तो उसके मुताबिक हर कोई कोई शरारत कर रहा होता और जब मूवी स्पेशली हो और उसको मतलब फिर रियल लाइफ में जब आप मतलब मूवी शूट कर रहे होते हैं तो आपको खुद कितनी हंसी आती है या एक्ट्रेस कैसे बिहेव करते हैं वो देखने का बहुत मजा। वैसे मैं अगर अक्षय कुमार सर की बात करूं तो मुझे वैसे वो जिस तरह मूवीज करते हैं तो उनके कैरेक्टर बहुत ज्यादा फनी होते हैं लेकिन अगर देखा जाए ऑफ द सेट यानी कि वो वहां पे भी काफी ज्यादा फन क्रिएट कर रहे थे तो मुझे लग रहा है कि वो रियल लाइफ में भी काफी इस तरह के होंगे। अच्छा मे बी हां मुझे भी वैसे लगता है कि फनी होंगे लेकिन ना मुझे ये लगता है कि ना आपको हमेशा काम करने का मजा तब आता है जब आपके कलीग्स भी उतने ही एंटरटेनिंग हो या आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो काम करने का मजा डबल हो जाता है। और स्पेशली अगर मतलब जैसे हम लोग एक्टर्स की बात करें तो कुछ एक्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी आपस में नहीं बनती बट फिर भी उनको काम करना होता है साथ में। मुझे लगता है बहुत ज्यादा एक यू नो प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती है वो वाली कि जब आपको नहीं भी पसंद लेकिन फिर भी आप उसके साथ काम कर रहे हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये भी एक एक्सपीरियंस ही होता है कि आपको एक शख्स पसंद नहीं है उसके साथ काम करना बैठना क्योंकि फिर एक्टिंग फिर इसी को तो कहते हैं ना। एक्टिंग इसको नहीं ये हर चीज में मुझे लगता है कि हर फील्ड में ये चीज उसका हम कहेंगे कि अप्लाई होती है क्योंकि आपकी आपकी जॉब ही यही है कि आप काम करें चाहे फील्ड कोई भी हो आपको कुछ लोग पसंद होते हैं कुछ नहीं भी होते बट आपने उन चीजों को नहीं देखना आपने ये देखना कि आप किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो बेसिकली आपने एक्ट ही करना है ना। अच्छा बेसिकली इन शॉर्ट आपने एक्ट ही करना कि भाई हाँ मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ मतलब कि मौजूद इसका मतलब तो ये हो ना कि हम हर चीज में एक्टिंग करते हैं ना। देखिए देखिए आपको आपको मेरी बात सुनिए आपको जिंदगी में कोई बंदा पसंद नहीं होता ठीक है अगर उसके साथ आपको ये काम करना पड़ जाता है आप डायरेक्ट उसके मुंह पे कभी ये नहीं कह सकते यार तू तो मुझे पसंद ही नहीं मैं तो इससे काम करना ही नहीं चाहता। लाजमी तो मजबूरियां होती हैं ना मजबूरियां होती हैं। बाकी मैं ये चीज अग्री करती हूँ भाई वो तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं हम छोटे लेवल की बात करें बट आपको मैं एक बात बताती हूँ मेरी मतलब मेरी शक्ल इतनी बुरी है ना इस मामले में कि अगर मुझे कोई इंसान पसंद नहीं है या फिर मुझे उसकी बात पसंद नहीं आ रही अच्छा मैं ये मेरे में प्रॉब्लम है कि ये कंट्रोल भी नहीं मेरे पे होता ठीक है ना पता नहीं क्यों मेरी शक्ल पर आ जाता है मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई मुझे तुम पसंद नहीं आ रही है मुझे तुम्हारी बातों में इंटरेस्ट नहीं है। अगला बंदा भी इनके एक्सप्रेशन देख के कहता है कि इनका तो काम है चलो काम तो अपना करें। नहीं अगला बंदा मुझे इतना जानता नहीं है मौसम और वो इतना मैं घर वालों की बात कर रहा हूं मैं घर वालों की बात नहीं कर रही मैं बाहर वाले लोगों की बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जब मैं जॉब पर भी थी हालांकि मुझे उस टाइम पर ये चीज समझ नहीं आती थी अब कैमरा फेस कर करके मुझे ये चीज समझ में आती है और मुझे पता चलता है कि आपके एक्सप्रेशन कैसे होते हैं। तो उस टाइम पर क्या होता था जो भी इन्हें तब पता चला जब ये खुद वीडियो एडिट करती हैं एग्जैक्टली तब मुझे पता चला कि है मेरे एक्सप्रेशन इतने बुरे होते हैं समटाइम्स जब मैं रोज इन्हें बर्दाश्त करता हूं। हाँ मौसम ने मुझे बहुत बर्दाश्त किया और मैंने भी इसको बहुत बर्दाश्त किया। मैं बताने ये लगी थी कि वहां पर मेरी प्रिंसिपल जब मुझे कोई बात कहती होती थी ना तो मुझे समटाइम्स बुरा भी लग जाता होता था लेकिन अब मैं उनको बोल नहीं सकती थी कि मुझे बुरा लगता तो मेरी शक्ल पर आ जाता था तो मुझे कहती होती थी व्हाट तो मैं कहती थी नथिंग तो लाइक मुझे अब समझ में आता है कि उनको क्या फील होता होगा मेरे चेहरे से। बट एनीवे अब करते हैं बात आज की वीडियो की। वीडियो बहुत ही मजे की थी जो डिफरेंट सीन्स है स्पेशली वो जो एक डॉक्टर वाला सीन था जहां पर डिलीवरी रूम में उनको लेकर गए थे वहां पर अक्षय कुमार सर की आंखें तो वो बंद थी लेकिन उनकी हंसी निकल रही थी। वैसे वो सीन अगर मूवी की बात की जाए तो काफी ज्यादा फनी था और वैसे अगर पूरी मूवी की बात की जाए एंड में इधर आके सीरियस हो जाती है लेकिन एंड पे फिर जरा वही रौनक मेला शुरू हो जाता है लेकिन ओवरऑल हाँ ओवरऑल मूवी बहुत मजे की है। ये तो थी हमारी आज वीडियो आई होप आपने भी इंजॉय की होगी क्या आपको भी उतना ही मजा आता है जितना हम लोग को मजा आता है ब्लूपर देखने का जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा और इसी के साथ हमें चैनल सब्सक्राइब वीडियोस शेयर एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।